वेलकम टू डियर एम हाउस। शशांक अर्पित मेरे को ज्वाइन कर चुके हैं और आईपीएल का जो ये हफ्ता चल रहा है एकदम मैडनेस, उसमें एक टीम की कहीं ना कहीं कमी थी। हालांकि शुरुआत उसी टीम ने करी है लेकिन उससे भी एक बड़ा काम कर दिया। जरूर आया था मंडे को 286 रन, हाईएस्ट एवर T20 स्कोर, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड और तोड़ दिया है जिसको तोड़ना मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। 6 ओवर में 2017 में केकेआर ने 105 रन किए थे अगेंस्ट आरसीबी और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसको टूटने में भी यहाँ पे तकरीबन 6 साल लगे हैं और अभी एसआरएच के दोनों बैट्समैन, और आई एम फीलिंग वेरी बैड टू से, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हेड की कभी इतनी तारीफ करने वाला हूँ, खासकर 19 नवंबर के बाद। लेकिन व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ मैन, और साथ दिया अभिषेक शर्मा ने लगातार इस बार हैदराबाद के लिए वो चीज करके दिखा रहे हैं कि क्यों लगातार इतना बैक किया है। 6 ओवर में लगा दिए हैं 100 से ज्यादा भी रन। अर्पित, मैं रन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो रन आप बताएंगे, आपके मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, कितने रन किए हैं हैदराबाद ने? जी हैदराबाद ने, मैं कहूंगा T20 क्रिकेट में पावर प्ले में सबसे हाईएस्ट स्कोर बना दिया है। 125 रन हो गए जिसमें 40 रन बनाए अभिषेक शर्मा ने 10 गेंदों में। मतलब आप उनकी स्ट्राइक रेट देखिए, 400 की स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा की चल रही थी, वहीं आप ट्रेविस हेड ने भी 26 गेंदों में 84 रन जब तक बना दिए थे। तो ओवरऑल आईपीएल हिस्ट्री का भी सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर हो चुका है पावर प्ले में। और अगर हम और स्कोर को देखें कि आईपीएल में T20 में तो है ही है, और आईपीएल के और स्कोर को भी देखें तो इससे पहले केकेआर वर्सेस आरसीबी था जी, उसमें सुनील नारायण और बात करें तो क्रिस लिन थे। फिर उसके बाद इस बार अगर देखें तो इससे पहले चेन्नई और पंजाब के बीच में था, 100 रन बनाए थे जब। फिर चेन्नई एक और बार था एमआई के सामने, 90 रन और फिर 88 रन। तो देखा जाए तो ये तीसरी बार 100 रन के पार पहुंची है कोई टीम, और 125 रन लग तो ऐसा रहा था कि एक टाइम पे कि आपका स्कोर 400 के पार भी जा सकता है, लेकिन फिर कुलदीप यादव ने वापसी कराई, वो बात की बात है। लेकिन अभी के स्कोर की बात करें तो एसआरएच के लिए तो ये बहुत ही शानदार स्कोर हुआ है पावर प्ले में, और हेड ने भी जो 84 रन मारे वो भी एक हाईएस्ट है किसी की भी प्लेयर की। अगर हम पावर प्ले में स्कोर की बात करें तो इससे पहले डेविड वार्नर के ये नाम था, रिकॉर्ड 62 रन थे 25 गेंदों में, वो उन्होंने एसआरएच के लिए अब एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया ट्रेविस हेड ने। तो ट्रेविस हेड सिर्फ इंडियन टीम को हेडेक नहीं देते आईपीएल में भी, बाकी अब ऋषभ पंत को भी हेडेक दे चुके हैं, विराट कोहली को भी हेडेक दे चुके हैं। डीसी ब्लू जर्सी को देख के हेड को कुछ हो जाता है, और इसलिए मैंने कहा था कि मेरे को जानना है कि आपसे कितने रन बने, क्योंकि जिस तरह से बोला ना कि ठोके हैं, लिटरली ये रन बनाए नहीं गए हैं, मारे नहीं गए, ये रन ठोके गए हैं, वीडियो गेम चल रहा है, दीवार पे कील रख के ठोक दिया गया। और जो आपने अभी बोला 84 रन सिर्फ हेड ने बनाया है, हम बात करते हैं अगर टीम 6 ओवर में 60-70 बोर्ड पे लगा दे तो वो एक बहुत बढ़िया स्कोर माना जाता है। यहाँ पे हेड ने अकेले ने 84 रन ठोके, 10 बॉल पे 40 रन, अभिषेक शर्मा के लिए बात मुझे लग रहा है बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अभिषेक शर्मा वहां पे स्लो हो जाते तो हेड के ये रन नहीं बन पाते। और अर्पित, आपको याद आ रहा होगा इस मैच से पहले प्रेजेंटेशन में ट्रेविस हेड ने एक बात कही थी कि अब हमारा सिर्फ एक टारगेट है कि जो हमारा ओवरऑल स्कोर है टीम का उसके आगे 3 लगाना है, मतलब 300 रन एम कर रहे हैं, और उसकी अब बुनियाद तो आज प्रॉपरली रख दी जरूर, उसके बाद वो विकेट्स आए। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आईपीएल और T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा टारगेट हैदराबाद ने यहाँ पे बोर्ड पे लगा दिया है, और हाफ ऑफ द टारगेट भी लगा सकती है आप, सबसे बड़ा टारगेट भी अगर हम देखें तो क्या पता 20 ओवर के बाद आप और मैं फिर से जुड़े और फिर हम ये बात करें कि टारगेट भी अभी भी हो सकता है। 4 विकेट गिरे हैं लेकिन मेरे को लगता है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है, जिस तरीके से हैदराबाद जो ऑरेंज आर्मी है जो उड़ रही थी हवा में, वो एक अलग ही तरीके से उड़ रही थी। देखिए वो पता लगा दिया ना कि हवा में क्यों उड़ रहे, क्योंकि जो डीजल डाला हुआ है ना वो डीजल पे ट्रेविस हेड लिखा हुआ, और वो डीजल रुकने का यहाँ पे नाम ले नहीं रहा है। अभी तो फिलहाल विकेट गिर चुके हैं इन दोनों के, तो मैं फाइनल रन बता दूं, 32 बॉल पे 89 रन किए हैं यहाँ पे हेड ने, 278 का स्ट्राइक रेट, 6 छक्के 11 चौके, और उसके बाद साथ ही साथ अभिषेक शर्मा 12 बॉल 46 रन, 383 का स्ट्राइक रेट, 6 छक्के और 2 चौके। ये है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के तरफ से प्योर मैडनेस, और आई थिंक जिस भी टीम को और जो भी प्लेयर और जो भी फैन इवन अब तक एसआरएच को सीरियसली नहीं ले रहा था ना, वो उन्होंने लेना तो स्टार्ट कर दिया इस आईपीएल में 267 272 286, लेकिन अभी आप सीरियसली नहीं, आप इनको डेंजर मानिए, आपकी जो भी फेवरेट टीम है उनके अपोजिट, क्योंकि हर उस टीम को जाके उनके घर में हराया है, जिनको घर बुलाया उन्हें हराया है। बड़ी टीम में कौन है? केकेआर पहले मैच में कड़ी टक्कर दी, देखना पड़ेगा ईडन गार्डन जब टीम पहुंचती है तो क्या चलता है।
धोनी की टीम को हराया, रोहित शर्मा की टीम को हरा सकते थे, लेकिन वहां भी 208 की चेंज में 204 करके दिखाए। तो वो देखना पड़ेगा कि हैदराबाद जब वापस वानखेड़े जाएंगे तो क्या होगा। धोनी की टीम को हराया, कोहली की टीम को हराया, और कोहली की टीम को तो इतना बुरा हराया कि अभी तक फैंस स्ट्रॉन्ग से बाहर आए। नीला रंग हेड पे बिल्कुल छा चुका है। मुंबई इंडियंस की बात करें, उनकी भी ब्लू जर्सी है। आरसीबी इस बार पता नहीं क्यों ब्लू जर्सी लेके आई उनका। हाँ, और डीसी की बात करें तो उनकी भी ब्लू जर्सी है। तो ब्लू जर्सी के खिलाफ तो हैदराबाद के रिकॉर्ड्स बनते रहे हैं। ये भी मुझे लगता है कि आज एक और रिकॉर्ड बन सकता है। अब 20 ओवर के बाद देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मैच जाता है। लेकिन जो एक हेड स्टार्ट कहते हैं ना, वो तो ट्रेविस हेड ने दे दिया है इस पारी को भी। और आईपीएल में जो रन फेस्ट चल रहा है उसमें एसआरएच की बात करें तो वो सबसे आगे है। उनके आसपास कोई भी नहीं जिस तरीके से वो रन मार रहे हैं कि कितने भी पढ़वा ले वो दूसरी टीम से, लेकिन वो इतने आगे निकल जाते हैं कि कोई उनकी बराबरी करवा नहीं। हाँ, कोई यहाँ पे बैटर करने रहा। आपने बहुत सी बात करी कि हेड स्टार्ट दिया है सिर्फ एसआरएच को ही नहीं, अपनी टीम को इस मैच में ही नहीं, और बहुत वो तीन चार मैचेस में ही नहीं, आईपीएल जो एक और जो ट्रॉफी ढूंढ रहा है ना, एसआरएच जो एक और ढूंढ रहा है उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम रख दिया है। तो ये था आज की वीडियो का मेन मोटो, अ ग्रेट मैडनेस फ्रॉम अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड। एक बंदा आ रहा है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद दिल्ली गया, युवराज सिंह ने ट्रेन किया, उन्हीं के साथ ही दोस्त शुभमन गिल की बात बहुत टाइम से चल रही थी और उनके ऊपर रेट करते थे युवराज सिंह हमेशा, और हमेशा दिखती थी वो नाराजगी जब भी अभिषेक शर्मा अच्छा नहीं कर पाते थे। इस आईपीएल में पता लग रहा है कि क्यों इस बार बताते हैं, आज भी नाराज होंगे कि वो 12 आ भी गया होगा। हम जरूर उस पर ही बात करेंगे जब इस मैच के पूरे हाइलाइट्स की बात करें। द बिगेस्ट हाइलाइट्स ऑफ दिस आईपीएल जो रहा है अभी तक हैदराबाद, एक के बाद एक चीज करते जा रहे हैं, और एक और उन्होंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, और आई थिंक इसको टूटने में बहुत टाइम लगने वाला है। 125 रन 6 ओवर में लगते नहीं है, 70-80 जब लग जाते हैं तो हम बात करते हैं बहुत बड़ी चीज हो गई है, क्योंकि 20 का रन रेट बनाना पड़ेगा। हैदराबाद के ट्रेविस हेड बिल्कुल, क्योंकि आपको 20 रन बनाने हैं, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी तक सबसे बड़ी चीज ये है, हैदराबाद के ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने T20 क्रिकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया है, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड नया बना है उसमें डिफरेंस है पूरे 20 रनों का, 125 रन जड़ दिए हैं 6 ओवर में। टीम्स को देखना पड़ेगा कैसे अब वो रिकॉर्ड के थोड़ी सोचिए पास भी पहुंच पाते हैं। ये था अब तक का इस इनिंग का सबसे बड़ा हाईलाइट, और आई थिंक आईपीएल 2024 का भी सबसे बड़ा हाईलाइट, एंड T20 क्रिकेट का ऑल ओवर सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि 6 ओवर में किसी भी टीम ने 125 रन जड़ दिए हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, अपने बेस्ट विशेस ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा एंड एसआरएच मैनेजमेंट को। आप कई जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहां भी दे सकते हैं, हमारे डीएनए के कमेंट सेक्शन में भी आप उसको जरूर लिखिए और जरूर अप्रिशिएट करिए। एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और ये एक इंडिया की यंग प्रोडिजी है। एक चीज अभी तक आई के साइड में है वो T20 वर्ल्ड कप। इंडिया अभी बहुत सारे प्लेसेस ढूंढने के लिए प्लेयर्स ढूंढ रहा है, बहुत सारे प्लेसेस बढ़ने के लिए। अभिषेक शर्मा ने अपना नाम वहां पे जरूर दर्ज करा दिया है कि एज एन ओपनर आप उनको भी लेके जा सकते हैं, लेफ्ट आर्म ऑप्शन है, और जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं वो T20 क्रिकेट को चाहिए, वो उसकी नीड है। तो यूट्यूब को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, डीएनए इंग्लिश और हिंदी दोनों को, फेसबुक पेज को भी आप लाइक जरूर करिए, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करिए, और सारी अपडेट्स के लिए डीएनए ने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। और हमारे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अर्पित, वेरी थैंक यू, एंड हमने बात करी, बहुत खुश है हम, खासकर अभिषेक शर्मा के लिए कि वो चीज जरूर दिखा रहे हैं, एकदम सही टाइम पे दिखा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड कीप वॉचिंग डीएनए। थैंक यू।